2017 में मुझे यूपी इलेक्शन में क्या दिखाई दिया? पहले हम ये समझ लें कि यूपी के हालात क्या हैं और उसके बाद आगे की बात करें। आज यूपी के हालात कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक आदमी से कोई गलती हो गई, उसे पकड़ के बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने मुकदमा सुना और कहा कि भाई गुणदोष के आधार पर तेरा अपराध सिद्ध होता है, इच्छा तेरी है सजा, तू चुन ले, चाहे तो 100 प्याज खा ले, चाहे 100 कोड़े खा ले। उस आदमी ने अपना दिमाग दौड़ाया कि इतिहास गवाह है, कोड़े खा के कोई बचा नहीं और प्याज खा के कोई मरा नहीं, तो उसने कहा मैं प्याज खा लूँ। उन्होंने कहा भाई तेरी मर्जी। एक छबड़े में उसके सामने 100 प्याज रख दी, पर 10 प्याज खाते खाते उसके मुंह में आग, गले में आग, छाती में आग, पेट में आग, उसे लगा कि अब प्याज नहीं खा पाऊंगा। तो उसने कहा थम जाओ भाई, थम जाओ, क्या बात कि अब मैं कोड़े खा लूंगा। पर 10 कोड़े पड़ते पड़ते उसे लगा कि फैसला फिर गलत हो गया है। उसने कहा कि प्याज मारती ना मारती लेकिन कोड़े खा के नहीं बचेगा। उसने कहा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं प्याज खा लूंगा। होते होते वो 100 कोड़े और 100 प्याज दोनों खा गया। वही हाल यूपी का है, या तो मायावती की प्याज खा, नहीं तो मुलायम सिंह के कोड़े खा। और अब फिर कहना शुरू कर दिया यूपी ने, थम जाओ भाई, थम जाओ, थम जाओ, कि क्या प्याज खा लूंगा। और आपको यूपी में सुनाई दे रहा होगा कि इससे तो अच्छी मायावती की। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज ये आया, मैं से मुलायम, मैं से मायावती, अब मैं से मोदी और आ गए। वो एक किनारे में बैठे हुए गंडासे पे धार दे रहे हैं कि भाई अगर तेरा काम प्याज और कोड़े से ना चल रहा हो तो मैं आऊं। तो यूपी का जवाब है कि भाई तू थमा रहे, तू तो 100 की जरूरत ही नहीं है, एक ही में काम फाइनल कर देगा। तो इस वक्त यूपी को दुआओं की जरूरत है। वो लोग जब मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफ में नाच देख रहे थे, वो फिर सत्ता के लिए बहकाने आएंगे, उनके दिल में फिर 25 साल बाद अयोध्या का दर्द उठने लगा है। वो जो हर सामाजिक, हर राष्ट्रीय सवाल के ऊपर चुप रहती हैं मायावती बहन जी, वो भी मैदान में आएंगी। मोदी जी तो अपना तथाकथित देश प्रेम लेके आ ही रहे हैं। इस सब के बीच में हम यूपी वाले आम आदमी के लिए कहाँ गुंजाइश है? बांटो और राज करो की जो नीति अंग्रेजों ने लागू करी थी, चालू करी थी, वही ये लोग आज तक अपनाए हुए। इन्होंने गाँव बांट दिया, घर बांट दिया, समाज बांट दिया, गली मोहल्ला बांट दिया। आज हम लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष, तो हम एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में कहाँ जिंदा है? ये सवाल तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जिन लोगों के हाथ में हम सत्ता सौंप रहे हैं, इनकी प्राथमिकता क्या है? मुलायम सिंह यादव जी को अपने कुनबे से आगे कुछ नहीं दिखता, मायावती जी को क्या दिखता है क्या नहीं दिखता ये वो ही जानती है। मोदी जी को गुजरात में रहते थे तो देश दिखता था, देश में आ गए हैं तो विदेश दिखने लगा है। कांग्रेस आप जानते ही हैं, 100 साल की बूढ़ी बुढ़िया, अब उसमें कोई जान नहीं बची। तो सवाल यह है कि इन सब के बीच में भटकते हुए हम जाएं कहां? हमें चरित्रों की पहचान नहीं है, हमें अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने साथियों के ऊपर भरोसा नहीं है। नेतृत्व कहीं पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से नहीं आना है, यहीं से आना है। तो हमें अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही साथियों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और विकल्प को तलाशना होगा। आज की राजनीति में विकल्प मात्र और मात्र वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI जो न वंश की राजनीति करती, न धर्म की राजनीति करती, न संप्रदाय की राजनीति करती, न भाषा की राजनीति करती, न क्षेत्र की राजनीति करती। WPI मात्र और मात्र राजनीति करती है राष्ट्र के विकास के लिए, सबके साथ के लिए। हम योग की बात करते हैं, योगासन की नहीं। मोदी जी योगासन की बात करते हैं, हम योग की बात करते हैं। जब हमारा अपने भाई से जुड़ा होगा, जब हमारा अपने पड़ोसी से जुड़ा होगा, जब हमारा अपने पास वाले गांव से जुड़ा होगा, जब हमारा अपने कस्बे से जुड़ा होगा, आपस में जुड़ा होगा, हम उस योग की बात करते हैं, योगासन की नहीं। वो तो 84 योगासन है।